घूमने का शौक तो हम सभी को होता है। हम सभी चाहते हैं कि अपने दोस्तों, फैमिली या फिर सोलो ट्रैवल करके अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर कर सकें और उनकी यादों को हमेशा के लिए कैप्चर कर सकें। पर ज़्यादातर हम अपने प्लान्स बनाते तो हैं, लेकिन हमारा मंथली बजट इन प्लान्स को बिगाड़ देता है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आज इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे आपको ट्रैवल करने के लिए बहुत सारे पैसे नहीं, सिर्फ करेक्ट प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर आप दिल्ली या उसके आसपास रहते हैं तो आप इन 6 सिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं अंडर ₹4,000। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैंगो टॉक। नंबर 1, ऋषिकेश। ऋषिकेश द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। गंगा के किनारे बसा ये शहर बहुत ही खूबसूरत और मन को शांति देने वाला है। यहाँ पे आप सीनिक ब्यूटी और गंगा रिवर को तो एंजॉय कर ही सकते हैं, साथ ही यहाँ पर आप खुद को मेडिटेट और रिलैक्स भी कर पाएंगे। ये जगह पॉजिटिविटी से भरी हुई है जो आपकी सारी थकान और स्ट्रेस को दूर कर देगी। यहाँ पहुँचने के लिए आप दिल्ली से ट्रेन बुक कर सकते हैं, जिसका फेयर अप्रॉक्स ₹150 आपको पड़ेगा। एकोमोडेशन के लिए आप आश्रम और धर्मशाला में रुक सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ऋषिकेश में मांसाहार पर रोक है, पर आप यहाँ पर काफ़ी सस्ता वेजिटेरियन फूड पा सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे कि रिवर राफ्टिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। नंबर 2, नैनीताल। नैनीताल एक पॉपुलर हिल स्टेशन है उत्तराखंड में। यहाँ आप खूबसूरत कुमाऊं वैली के साथ नैना लेक के मज़े ले सकते हैं। आप यहाँ पे बोटिंग तो कर ही सकते हैं, साथ ही चीना पीक तक ट्रैकिंग एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। यहाँ आपको ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज़, गुड फूड, गुड स्टे, शॉपिंग सब कुछ मिल जाएगा। नैनीताल पहुँचने के लिए आप दिल्ली से बस ले सकते हैं, जिसका फेयर अप्रॉक्स 500 to 700 rupees तक पड़ेगा। एकोमोडेशन के लिए आपको बजट फ्रेंडली हॉस्टल्स या होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ आपको टेस्टी खाना भी कम कीमत पे मिल जाएगा। अब बात करें एक्टिविटीज़ की, तो आप नैना लेक में बोटिंग कर सकते हैं, जिसका फेयर ₹150 to 210 तक आपको पड़ेगा। नंबर 3, धर्मशाला। सो लेट्स स्टार्ट विद धर्मशाला। ये जगह कांगड़ा वैली से 18 किलोमीटर की दूरी पर है और ये तिब्बतन लीडर दलाई लामा का घर माना जाता है। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, आसमान छूते पहाड़ और तिब्बतन कल्चर आपके मन को शांति और सुकून देने वाला है। शहर की भीड़ से दूर धर्मशाला एक शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन है। दिल्ली से आप धर्मशाला बस से आ सकते हैं, जिसका फेयर अप्रॉक्स ₹700 तक पड़ेगा। एकोमोडेशन के लिए सबसे बेस्ट हैं यहाँ के हॉस्टल्स और होम स्टेज, जहाँ आप बहुत सस्ते दामों में कंफर्टेबल स्टे पा सकते हैं, जिसका कॉस्ट अप्रॉक्स 300 to 400 पर नाइट स्टे होगा। आप यहाँ तिब्बतन फूड को भी खूब इंजॉय करेंगे, क्योंकि एक छोटा हिल स्टेशन है, तो आप यहाँ काफ़ी जगह वॉक करके भी कवर कर सकते हैं, जैसे कि भक्सू वाटरफॉल, त्रियुन ट्रैक, धर्म कोट, मैक्लियोडगंज, देन करेरी लेक। नंबर 4, बीर बिलिंग। हिमाचल प्रदेश में बसा एक छोटा सा हिल स्टेशन बीर बिलिंग एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, जहाँ आपको लाइफ में एक बार ज़रूर जाना चाहिए। हरे भरे ग्रासलैंड और बर्फ से ढके पहाड़ और यहाँ की ठंडी हवाएं आपको खुश कर देंगी। दिल्ली से बीर बिलिंग आने का सबसे अच्छा जरिया है हिमाचल रोड ट्रांसपोर्टेशन की बसेस, जो 12 से 13 घंटे में आपको यहाँ पहुँचा देंगी, जिसका फेयर अप्रॉक्स ₹1,000 आपको पड़ेगा। देन अकोमोडेशन के लिए आप यहाँ हॉस्टल्स और होम स्टेज में रुक सकते हैं, जो कि काफ़ी सस्ता ऑप्शन है 300 to 400 rupees तक में। आप यहाँ तिब्बतन, नेपाली, नॉर्थ ईस्ट क्विजीन को भी खूब इंजॉय करेंगे। बात करें साइट सीइंग की, तो आप यहाँ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग और पालमपुर के टी गार्डन्स में भी खूब इंजॉय कर सकते हैं। नंबर 5, जयपुर। जयपुर इंडिया में सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला टूरिस्ट प्लेस है।
इस राजपुताना पिंक सिटी में आप राजस्थानी कल्चर, ट्रेडिशंस और राजा महाराजाओं के द्वारा बनाए गए फोर्ट्स आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। आप यहाँ सोलो, फैमिली या फिर अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। ये खूबसूरत शहर अपने फोर्ट्स और पैलेसेस के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पहुँचने के लिए आप दिल्ली से ट्रेन ले सकते हैं, जिसका फेयर अप्रॉक्स 300 रुपीज़ तक आपको पड़ेगा। यहाँ आपको काफ़ी बजट फ्रेंडली होटल्स और हॉस्टल्स सिटी सेंटर के पास मिल जाएंगे। जयपुर में आप राजस्थानी फूड को भी खूब एक्सप्लोर कर सकते हैं विदाउट बर्निंग योर पॉकेट्स। इसके अलावा आप जल महल, हवा महल, सिटी पैलेस, आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस है राजस्थानी ट्रेडिशन को इंजॉय करने का। नंबर 6, आगरा। यमुना के किनारे पर बसा आगरा आइकॉनिक ताजमहल के लिए जाना जाता है। हालांकि ये हिस्टोरिकल सिटी सिर्फ ताजमहल तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा भी आप बहुत कुछ आगरा में एक्सप्लोर कर पाएंगे। यहाँ का मुगल अपीयरेंस, पुराने बाजार, मुगलई इमारतें, यूनिक फूड आपको एक रॉयल वाइब देने के लिए काफ़ी है। आगरा आने के लिए आप दिल्ली से बस या ट्रेन ले सकते हैं। ट्रेन का फेयर 100 रुपीज़ to 200 पड़ेगा। बात की जाए एकोमोडेशन की, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सस्ते और अच्छे होटल्स और हॉस्टल्स मिल जाएंगे। अपने फूड एंड फ्लेवर के लिए फेमस आगरा में आप नॉर्थ इंडियन से लेकर साउथ इंडियन तक हर क्विजिन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ आगरा फोर्ट, अकबर स्टॉम, मेहताब बाग, फतेहपुर सीकरी और यहाँ के ओल्ड बाजार्स को भी खूब इंजॉय करेंगे। तो ये थे हमारे 6 बजट ट्रिप्स फ्रॉम दिल्ली। इन सभी जगहों पर आप 4,000 रुपीज़ से भी कम पैसों में इजीली घूम सकते हैं। वैसे आप इनमें से किस सिटी में जा चुके हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन माई नेक्स्ट वन। तब तक के लिए गुड बाय।